आज हम लोग बात करेंगे कुछ रिपर्टरीज के बारे में कि कैसे उन रिपर्टरीज को हम यूज़ कर सकते हैं और उन रिपर्टरी के यूज़ से हम कितने अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे किसी भी फील्ड में एक परंपरा बन जाती है, वैसे होम्योपैथी में भी एक परंपरा बन गई। वो परंपरा आज भी डॉक्टर केंट सर के नाम से और डॉक्टर बोइंग हसन सर के नाम से जानी जाती है। अगर हम सही मायनों में बात करें तो जो डॉक्टर बोइंग हसन हैं वो डॉक्टर हनीमैन सर के ट्रू फॉलोअर हैं। उन्होंने हनीमैन सर को एज इट इज़ लिया है, जबकि डॉक्टर केंट सर है कहीं ना कहीं वो हनीमैन सर के पास से थोड़ा सा अलग होते हुए कुछ ना कुछ मनगढ़ंत चीज़ों को भी लाए हैं अपनी टीचिंग्स में। तो एक दो विचारधाराएं जो डेवलप हुई वो आज तक चल रही हैं। एक तो विचारधारा है जो डॉक्टर हनीमैन सर को फॉलो करती है, उस विचारधारा में डॉक्टर जार आते हैं, डॉक्टर बोइंग हसन आते हैं, डॉक्टर बोगर आते हैं, डॉक्टर फाटक आते हैं, डॉक्टर बोरिक आते हैं और डॉक्टर लिलियंथल आते हैं। इन्होंने हनीमैन सर की विचारधारा को एज इट इज़ उठाया है। बोरिक में कुछ कंट्राडिक्शन है जहाँ पे मदर टिंचर के यूज के बारे में बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोरिक चाइनीज मेडिसिन को पढ़े हुए थे इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो इसलिए उनका थोड़ा सा रुझान जो है थोड़ा सा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट या चाइनीज कॉन्सेप्ट के ऊपर चला गया। बाकी जो तरीका है उनका है वो उठाने का तरीका वही है, सेम है। डॉक्टर बोइंग हसन ने एज इट इज़ जो डॉक्टर हनीमैन ने कहा था उसको एज इट इज़ उठाया है। वहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं है, कोई माइंड के सिम्टम एक्स्ट्रा नहीं जोड़े गए हैं, कुछ नहीं किया गया। जो प्रूविंग में मिला है जैसे मिला है उसको एज इट इज़ रखा गया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया बोगर सर ने। बोगर सर की साइनोप्टिक की हो या बोगर सर का BBCR जिसको बोगर बोइंग हसन करेक्टरिस्टिक रिपर्टरी बोलते हैं, वो बिल्कुल सेम है। जो डॉक्टर हनीमैन सर ने जैसा कहा था वहाँ पे आपको मेंटल सिम्टम्स बहुत कम मिलेंगे। और उसी परंपरा को आगे निभाते हुए डॉक्टर फाटक सर ने किया। और एक रिपर्टरी है जो डॉक्टर हेरिंग के दामाद ने लिखी थी जिसको नर रिपर्टरी बोलते हैं, वो भी एडिटिस जो प्रूविंग में डॉक्टर हेरिंग सर की जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं 10 वॉल्यूम उनमें जो भी पाया गया उसको एडिटिस लिखा गया है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मेंटल सिम्टम्स बनाए हुए नहीं हैं। जबकि जो केंट सर की परंपरा है, जो केंट सर की विचारधारा है, उसमें जितने भी राइटर्स हुए चाहे वो डॉक्टर फिलिप बेली हुए चाहे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर हुए वो डॉक्टर गलावर्डिन हुए, इन्होंने क्या किया है माइंड सिम्टम्स को सिंथेसाइज किया है जो प्रूविंग में नहीं मिले हैं। उसी उसी परंपरा को डॉक्टर शंकरन भी निभाते हैं। डॉक्टर शंकरन जो हैं वो बोगर बोइंग हसन को भी उसी तरह से यूज करते हैं, वो उसी तरह से केंट को भी यूज करते हैं। तो उन्होंने वो दोनों चीज़ों को मिला दिया है, उन्होंने उसको एक कंपा उसको एक तरीके से मिला के एक नई विधा तैयार की जिसको अदर सॉन्ग बोलते हैं। उसमें वो सेंसेशन H.A. रॉबर्ट्स के सेंसेशन को उन्होंने और विस्तार दिया है, और जो सेंसेशन का एक पार्ट है वो डॉक्टर बोइंग हसन ने अपनी पूरी रिपर्टरी में रखा, सेंसेशन इन जनरल, तो वो पार्ट डॉक्टर शंकरन ने नहीं छोड़ा है। डॉक्टर विजयकर सर जो डॉक्टर केंट ने शुरू किया था, डॉक्टर केंट, डॉक्टर कुल्टर और डॉक्टर फिलिप बेले और डॉक्टर पाल हरसू जी, इन्होंने जिन जिन लोगों ने मेंटल सिम्टम्स पे बहुत जोर दिया है, जैसे कि साइकिल मैसेज पूरा मेंटल सिम्टम्स पे ही है, वो फिजिकल सिम्टम्स को तवज्जो नहीं देता है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि डॉक्टर हनीमैन सर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आप ओनली मेंटल सिम्टम पे प्रेस्क्राइब करो। तो जो परंपरा अभी चली आ रही है, जो रिपर्टरीज भी आ रही हैं, नई रिपर्टरीज हैं चाहे कंप्लीट डायनेमिक्स हो, वो सारी डॉक्टर केंट सर के ऊपर बेस्ड हैं। आपको साइकोलॉजिकल केसेस निकालने में, आपको फिजियोलॉजिकल केसेस निकालने में तो बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल केसेस की बात करें तो फिर आपको एक तरफ जाना पड़ेगा। जो विचारधारा है जो एक तरफ है वो है हनीमैन सर की विचारधारा, वो है बोगर बोइंग हसन की विचारधारा, वो है हेरिंग सर की विचारधारा, क्योंकि आप वहाँ से एक नए तरीके से एक नए डायमेंशन से कोई भी केस जितना भी एडवांस पैथोलॉजी का हो वहीं से निकाल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जाके एक लिमिटेशन है जो डॉक्टर केंट सर के मेथड की है वहाँ पे जाके आप रुक जाते हैं, वो आगे केसेस को एक्सप्लोर नहीं करती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर केंट हर जगह फेल्योर हैं, डॉक्टर केंट सर से बहुत से केस निकलते हैं, लेकिन जब मैं एडवांस पैथोलॉजीज की बात कर रहा हूँ और जो
एक्यूरेट लेस सिम्टम्स भी, अगर आपके पेशेंट ने बहुत ही लेस सिम्टम्स दिए हैं, वो अनकॉन्शियस है, कोमा में है, या वो सिम्टम्स बता ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे आपको सबसे अच्छा जो अप्रोच मिलेगा वो बोगर बोइंग हसन सर का है। तो आप इस रिपर्टरी को पढ़ें, बार बार पढ़ें, कोई डाउट होगा तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे।